दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पिंक लाइन पर पहली और आखिरी ट्रेन के टाइमिंग में बदलाव किया है। टाइमिंग आज से बदल गई है। ये नया समय आज यानी 16 अगस्त से 10 सितंबर तक लागू होगा। अब पहली ट्रेन मजलिस पार्क और शिव विहार से सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। इसी तरीके से दोनों के आखिरी स्टेशन से ट्रेन 10 बजे शुरू होगी। सामान्य तरीके से ट्रेन की टाइम टेबल यानी सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक सफर 11 सितंबर से शुरू होगा। डीएमआरसी ने ट्वीट में कहा कि पिंक लाइन त्रिलोकपुरी संजय लेक और मयूर विहार पॉकेट वन का नया समय 16 अगस्त से 10 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा। 6 अगस्त को पिंक लाइन मयूर विहार पॉकेट वन सेक्शन में त्रिलोकपुरी संजय लेक पर ट्रेन सर्विस शुरू हुई थी। इस लाइन को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई थी। मजलिस पार्क शिव विहार कॉरिडोर या पिंक लाइन में 38 स्टेशन आते हैं। बता दें कि त्रिलोकपुरी और मयूर विहार पॉकेट वन के बीच मिसिंग बन गया है। इस लिंक को बनाने का काम पिछले 2.5 साल से चल रहा था। इन दो लिंक के खुलने से दिल्ली मेट्रो की पहुंच 390 किलोमीटर के नेटवर्क तक बढ़ जाएगी। इसमें 286 मेट्रो स्टेशन शामिल है। त्रिलोकपुरी में मिसिंग लिंक के उद्घाटन के साथ ही पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क की सबसे लंबी लाइन बन गई है। पिंक लाइन से पहले तक ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी 56.6 किलोमीटर दिल्ली की सबसे लंबी मेट्रो लाइन थी। ब्लू लाइन का एक 8.7 किलोमीटर लंबा सेगमेंट यमुना बैंक और वैशाली के बीच भी है। बता दें कि जमीन विवाद के चलते मयूर विहार पॉकेट वन से त्रिलोकपुरी के बीच का कॉरिडोर पिंक लाइन के पूरे हिस्से के साथ बनकर तैयार नहीं हो पा रहा था। जमीन विवाद का मामला सुलझने के बाद पिछले साल डीएमआरसी ने पिंक लाइन के बीच हिस्से का काम शुरू कराया, लेकिन कोरोना संक्रमण से काम प्रभावित हुआ। अब ये समस्या दूर हो गई है और अब पूरी पिंक लाइन पर मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।